आई हैव नो आइडिया, जिस तरह ये कहते हैं ना भी मैं तो इन्वेस्टमेंट, आई हैव नो आइडिया हाउ टू मेक मनी, माई होल सिटी विच आई सेंड यू द पिक्चर ऑफ हैज हैपन ऑल बाई इट सेल्फ, माई DIDX बिजनेस ऑल हैपन बाई इट सेल्फ. इट्स जस्ट आई केप्ट ट्राइंग, आई केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आई केप्ट बींग इंक्विजिटिव अबाउट इट. एक साहब ने कहा ये सिटी आप बनाना चाहते थे, लैंड मैन ले लिया. मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं लिया. मैंने कहा, कहने लगे ये ज़मीन मिल रही है सस्ती, मैं ले लूँ. मैंने कहा ले लें, बनाएगा कौन? कहते मैं बनाऊँगा. मैंने कहा प्लान भेज दिया, उन्होंने प्लान भेज दिया. अगले दिन मैंने उनको ओके कर दिया, उन्होंने ज़मीन ले ली. मैंने कहा आप आके लेंगे नहीं? मैंने कहा आप खुद ही ले लें. सो इट्स जस्ट बिन, आई हैव बिन ट्रस्टिंग एंड जस्ट लेटिंग थिंग्स हैपन. सो वट आई लर्न फ्रॉम माई जर्नी इज दैट हम सब यहाँ पे एक जर्नी में, स्पेसशिप अर्थ में बैठे हुए और एक कहीं जा रहे हैं जहाँ अल्लाह मियाँ हमें लेके जा रहे हैं, या जो भी लेके जा रहा है, आई डोंट नो. किसी कोई ना किसी डीएटी को बिलीव करता है या किसी सिस्टम को बिलीव करता है. आई थिंक वी शुडंट टेक लाइफ टू सीरियसली बिकॉज इट्स अ स्मॉल स्पैन ऑफ लाइफ. हम कुछ भी नहीं हैं, मक्खी से भी छोटे हैं कायनात के सामने. सो इफ़ वी टेक इट टू सीरियसली देन इट्स बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, और हमारी ईगो आ जाती है बीच में और हमारे मसाइल आ जाते हैं बीच में. हमें, हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम अचीव करना नहीं है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला का काम है. हमारा काम उसकी कांस्टेंट कोशिश करना है. तो टू आंसर योर क्वेश्चन विच वाज के मैं उनको ये कहता हूँ कि कोर्ट को सेटल कर दो, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप एक लेटर लिखें और जिसके साथ आपकी डिस्प्यूट है उसको कहें बेटा ये मसला ख़त्म हो गया, मैं आप मेरी तरफ से छुट्टी हो गई, यू आर ऑफ द शर्ट, ऑफ द हुक, यू कैन सॉल्व इट. आई नो इट्स नॉट द रियलिटी साइड. जब मैं शुरू में बोला तो मैंने बोला आप सिर्फ 10% रिस्क लें, 90% 80% सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें. आपको कोई नहीं कह रहा पाकिस्तान जाएं, सारी बच्चे कुछ, बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ से सब कुछ बेच बाज के पाकिस्तान जाते हैं, तबाह बर्बाद होकर वापस आते हैं. खुदा के वास्ते ये ना करें. अगर आपको वाकई कुछ करना है, फ़ोन निकालें, फेसबुक पे जाएं, लोगों से बात करें. ऑल दे नीड इज़ कि ये जो खौफ आपके जहनों में है आपसे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा उनके दिमाग में, कि अगर हमने बिज़नेस किया और लॉस हो गया तो क्या होगा. तो उनको यही बताना है कि भाई 80% सेफ बिजनेस करो, 20% रिस्क ज़रूर लो, 10% रिस्क ज़रूर लो, 5% रिस्क, बिकॉज रिस्क में उसमें बरकत होगी. और जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो एक जादुई हाथ आएगा और आपके सारे काम कर देगा. तो कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैं तो नहीं समझा सकता, मुझे तो समझ आई नहीं. शायद आप लोग में से वाइज लोग बैठे हैं, मुझे कुछ समझा दें, मुझे तो कोई रास्ता नहीं मिला. लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी इस तरह से बड़े शौक से, बड़ी मुश्किल से इस तरह जी रहा हूँ कि आई लिव बाय द डे, I don't listen to anyone. I just follow my heart. And it took me a lot of courage, a lot of craziness to live like this. And jo main sochta hu ho jata hai, kyun hota hai mujhe nahi malum, but ho jata hai. That's what I would move, give it forward ke banane wale pe yakeen kare, kyunki usne vaada kiya risk dene ka. Aapne ehtiyat karni zarur hai. Aur ye, this is not normal business talk, but unfortunately or unfortunately I have never been in business. I mean, in a school. तो मैं हार्वर्ड की बातें तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है ज़्यादा. हाँ, मुझे बोलने के लिए ज़रूर बुला चुके हैं वो लोग हार्वर्ड पे भी. बट द आइडिया इज़ के अगर टोनी रॉबिन्स $10 से इतने मिलियन डॉलर का बन सकता है, आई एम श्योर आपके पास जो बिजनेस में है उसके पास अमेजिंग स्टोरीज होंगी कि उसको पता नहीं कि कैसे पैसे आए. मैंने तो आज तक कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं देखा जिसके पास ऐसी जादुई स्टोरी ना हो. सुल्तान आरफीन, शायद आपने नाम सुना, आरफीन इंटरनेशनल पाकिस्तान ने पिज़्ज़ा हट लेके गए. या सो मेरे कज़न हैं, मेरे फर्स्ट मेंटर वो हैं. मैं उनसे बैठा हूँ, कहते हैं तुम्हें यकीन नहीं आएगा मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ. वो कह रहे हैं मैं दफ्तर में बैठा हूँ, एक फैक्स निकलता है जिस पर लिखा हुआ है कि शिप जो है फलाना जगह से आ रही है और वो डूब गई है, और ये एक और जगह है, वहाँ से आप चीनी ख़रीद लें तो आपको हो जाएगा. ये उनके लिए नहीं, किसी और का फैक्स उनकी मशीन से निकलता है. वो ऑर्डर कर देते हैं, चीनी आ जाती है, वो बिलियंस बना लेते हैं. कहते हैं यार ये जादू नहीं है तो क्या है ये. तो सो एवरी बिजनेसमैन आई हैव एवर टॉक्ड विद जो रिस्क लेता है और जो इन चीज़ों पे समझता है, मनी कम्स फ्रॉम प्लेसेस विच वी हैव नेवर इमेजिन बिफोर. दैट्स वेयर मनी ऑलवेज कम्स फ्रॉम इन माय एक्सपीरियंस. हमेशा वहाँ से आता है जहाँ से हम सोच भी नहीं होते, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि यहाँ से पैसे आएंगे, वो साला डूब जाता है. हमारी अकल वहीं धरी की रह जाती है, देने वाला कहाँ से देता है, वी डोंट नो. सो दैट्स माय आंसर. माय सजेशन टू यू इज़ कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, पर सबसे पहले तो परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि अगर परेशान होने से कुछ होता है तो हम सब मिलके परेशान होते हैं, जाके ज़्यादा ज़्यादा हुआ करें.
लेकिन हमारी कौम के लोग बहुत परेशान होते हैं, सुबह से शाम तक ऐसा लगता है कि उन्हीं ने ठेका लिया हुआ है पूरे मुल्क चलाने का। भाई आपने ठेका नहीं लिया हुआ, आपका ठेका उतना है जितना आपकी दस्तर है, आपकी जितनी पहुँच है, आप उसको बेहतरीन करें। अगर आपके पास 3 कार वॉश हैं, लेट्स मेक इट 300, दैट्स व्हाट आई वुड लव टू डू। कि आप आपके 3 कार वॉश 300 में कैसे बने, उसमें से 30 मैंने 10% मांगे थे, 10-30 आप पाकिस्तान में खोल दीजिएगा। अगर पैसे कमाए ठीक है, नहीं तो बोनस था ना, तो बोनस पे आप बोनस को वहाँ इन्वेस्ट करें। पैसे आप यहीं से कमाएं जो आपको आता है, जिसमें आप अच्छे हैं, बट टाइम का भी 10% निकाल दें, 5% निकाल दें। 365 दिन होते हैं, 5% 10 दिन बनते हैं, आप मुझे इधर देते हैं फेसबुक पे, दैट्स ऑल आई वांट। बिकॉज ऑल आई वांट यू डू इज किक बट ऑफ पाकिस्तानी किड्स, कि तुम भी कर सकते हो। वो समझते हैं यहाँ पे जो है ना कोई आसमानी मखलूक रहती है, और जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। उनको जब आप उनके साथ उनका खौफ निकाल देंगे तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, जब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, बैठे हुए इमरान खान के इंतजार में बैठे हुए थे 20 साल से, तो कुछ कर लेते अगर तो अब तक कुछ हो गया होता। मैंने ज़मीन ख़रीदी है 1,50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से। हाउ मच इज़ दैट नाउ? $1,000। मुझे ऑफ़र आई है $30 एन एकड़ में करा, बलूचिस्तान में आप ज़मीन ले लीजिए। इज़ दैट अ बैड इन्वेस्टमेंट एट एनी वेयर? आई डोंट थिंक सो। बट लोग कहते हैं खा जाएंगे। अच्छा भाई 10 एकड़ लेके ख़रीद के देख लो, कोई खा जाएगा तो ठीक है, तुम्हारा क्या गया, खाने के पैसे चले जाएंगे और क्या होगा। मीन हाउ एक्सपेंसिव इज़ दैट, राइट? सो थिंक अबाउट इट, कि डू इन्वेस्टमेंट, टेक सम रिस्क। और जहाँ तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। बट देर इज़ वन थिंग विच इज़ हैपनिंग विच इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। हम मैं लास्ट ईयर, आप भी ट्रैवल करें, मैंने बाई रोड ट्रैवल किया कराची टू पेशावर, और एवरी वेयर आई स्टॉप एवरीबडी वॉज ऑन फेसबुक। चाहे स्कूल गया है, नहीं गया है, कॉलेज गया है, नहीं गया है, मोबाइल है और फेसबुक चला रहा है। पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं पता, पाकिस्तान में फेसबुक चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते। आप फ़ोन ख़रीदें, सिम फ्री में मिलती है, डालें, ऑन करें, फेसबुक चल जाता है। पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, पॉटी करने की जगह नहीं होगी, फेसबुक चल रहा होगा। नाउ यू हैव एक्सेस टू दोज पीपल। ऑल यू हैव टू डू इज गिव दैट 5% ऑफ योर टाइम टू दैम, टेल दैम मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूँ, और बेटा क्या हो रहा है, कैसे कर सकते हो। उसको सिर्फ पैट ऑन द बैक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, कोई पैसे नहीं चाहिए, ही हैज़ एवरीथिंग। लैंड ओनर जिससे हमने ज़मीन ख़रीदी है, उसका बेटा पैसे मांग रहा था कि हमें स्कूल जाने के लिए पैसे दे। वाई? वहाँ पानी भी है, लैंड भी है, फर्टिलिटी भी है, वाई? बिकॉज नोबडी इज़, एवरीबडी मसीहा के इंतज़ार में बैठा, पता नहीं किसका इंतज़ार करें। भाई थोड़ा सा चल लो, कोई आएगा तो कुछ करेंगे। सो दैट्स वॉट मेजोरिटी डज। सो माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, यू हैव डन स्टफ, टेक आउट लिटिल बिट ऑफ योर टाइम, गिव इट टू दैम। असर होगा, होगा नहीं होगा तो आप चिल करें। अगर आप इन्जॉय नहीं कर रहे हैं करना, तो खुदा के वास्ते ना करें। योर प्राइमरी गोल शुड बी टू बी हैप्पी। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग इट, देन डोंट डू इट, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी। फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपको, तो ऐसे काम से अच्छा है पैसे कम कमा लो। एक हमारे PTI के लीडर हैं, नाम नहीं लूँगा, वो मेरे से उनसी दोस्ती हुई 4-5 साल पुराने, वो भी कहते मुझे बहुत करने का शौक है। कहने लगे मैं, मेरी फैक्ट्री थी, मैं ये बनाता था ब्लाइंड्स बनाते। तो एक दिन मैं, मेरी कोई बड़ी सी इतनी गाड़ी थी, कौन सी मैंने अमेरिका से मंगाई थी, और मैंने फुल AC करके मैं गर्मी में बैठा हुआ था, और दूर से मैं देख रहा हूँ एक आदमी साइकिल पे लुंगी पहना हुआ, बनियान पहना हुआ, बड़े ठाट से आ रहा है। वो मेरे सामने से वो यूँ गुजर जाता है, और मैं बहुत परेशान था, मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। मैंने देखा वो आदमी जो है, उसके शक्ल पे एक शक्ल नहीं है, किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, लेकिन वो गरीब था। तो मैंने फैसला किया मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ वकॉल उनके। तो उन्होंने एक महीने में अपनी सारी फैक्ट्री वैक्ट्री बंद कर दी। मैंने कहा जी मुझे वो सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, आई डोंट वांट दैट फैक्ट्री। सो माय सजेशन इज़ एज अ ह्यूमन, फर्स्ट राइट इज़ बी हैप्पी। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, गो फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड डू इट। माय इंटरेस्ट हियर इज़, खाने के लिए उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, एंड इफ यू हैव एनी गोल, जैसे बचपन की ख्वाहिश होती है या वट एवर यू थिंक इज़ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट गोल यू हैव, टेल इट टू मी, आई विल ट्राई टू मेक इट हैपन, एंड इट कैन हैपन। एक बहुत पुरानी किताब, एंड आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज यू टू रीड दिस, विच इफ यू हैव, एंड थिंक एंड ग्रो रिच इज़ लाइक द बाइबल ऑफ ग्रोथ एंड बिलीफ।
सेकेंड आई वुड हाईली रिकमेंड, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, मैं कल अपनी अम्मी को बोल रहा था, मैं यहाँ ह्यूस्टन सिर्फ अपनी अम्मी के साथ आया था, उनका हमारा ख़ानदान यहाँ रहता है, तो वो मैं चला गया था यहाँ से, आई वॉज इन कैलिफोर्निया, उन्होंने कहा आ जाओ, मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ, वी जस्ट वॉन्ट हैंग आउट, तो अभी मैं एयरपोर्ट छोड़ के उनको आ रहा हूँ आपके पास, उन्होंने कहा अभी कल आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं अम्मी है सॉरी मैं नहीं आ सकता, तो मैं उनको ये कह रहा था, मेरा ये ख्याल है बीइंग इन टेक्नोलॉजी फॉर सो लॉन्ग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिप्रेसिंग फॉर मेजॉरिटी, मेरा ये ख्याल है 15 से 20 साल का टाइम है इंसानियत के पास टोटल, उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है ये बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, और ये मैं नहीं बोल रहा, एलन मस्क भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी समझता है उसको नज़र आ रहा है कि ये 15-20 साल की कहानी रह गई, जब 15-20 साल की, अच्छा मैं कनेक्टिकट में था पिछले साल, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो एक घर मुझे नज़र आया, मैंने कहा यार घर लेते हैं यहाँ मरेंगे अच्छा लगेगा, 30 एकड़ नाइस हाउस, लिटरली दिस इज़ हाउ मच आई बिलीव इन दिस, कि हमारे पास 15-20 साल रह गए, अब अगर 15-20 साल रह गए एज एन इंसानियत, तो वट शुड वी डू, फर्स्ट परेशान हो पाकिस्तान के लिए, अच्छे खुश रहें, तो इसलिए तो और ज़्यादा, अगर इन पता हो ना 10 साल में मर जाएं कैंसर है, तो यार वट शुड बी योर प्राइमरी गोल, फ्रस्ट्रेशन विल नेवर हेल्प यू, एंड आई एम नॉट इमरान खान टू गिव यू हेप होप हेयर, मैं तो इंटायर होपलेस करने वाला आदमी हूँ यार, कि भाई आपको खुद कुछ करना है कर लें, नहीं करना तो ना करें, मुझे मेरे दिमाग ना खाएं, क्योंकि आई कॉन्ट डू एनी थिंग फॉर यू, आई एम नॉट हेयर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन दैट, but now, since I found technology, I can make so much impact by doing nothing. Why should I do hard work? I'm lazy. I mean, मेरी एक वीडियो से अगर 1,000 लोगों की हेल्प हो जाती है बगैर कुछ करे, तो मुझे क्या आफत पड़ेगी, मैं पागलों की तरह जाऊँ और मेहनत करूँ, इट्स सो ईजी. मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, इनको भी मैंने बहुत दफ़ा सजेस्ट किया, पिक अप योर फोन, जस्ट स्पिल योर हार्ट आउट कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, आप देखेंगे बाय मैजिक इट विल स्टार्ट हैपनिंग. It has happened for me, it has happened for everyone who tried. एक हमारे और दोस्त हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी पिछले एक साल से, वो डॉक्टर सिद्दीक भाई ने मिलाया था, उनको लीवर ख़त्म हो गया था, सो ही गॉट अ न्यू लीवर, ही गॉट अ सेकेंड लाइफ लिटरली, सिंस देन ही इज डेडिकेटेड हिज लाइफ, कि जी ही इज़ अ PhD डॉक्टर कंप्यूटर साइंस, पता नहीं 350 दफ़ा तो एम्स्टरडेम में ट्रिप लगा चुके हैं, रियली रियली वेल डन गाय, सो हम्बल एयरपोर्ट पर जाके वॉलंटियर कर रहे हैं, होटल जहाँ वॉलंटियर का ऑप्शन मिल जाए वहाँ चले जाते हैं, बस मुझे लोगों की हेल्प करनी है. नाउ ही हैज़ बीन डूइंग दिस शो एंड लास्ट मंथ ही कमिटेड हिमसेल्फ टू टीच 500,000 पीपल टेक्नोलॉजी सिंगल हैंडेडली आफ्टर 9 months ऑफ टॉकिंग एवरी डे ऑन फेसबुक एंड नॉट टॉकिंग लिसनिंग. द प्रॉब्लम इज वी आर ऑल ट्राइंग टू टॉक, ऑफकोर्स यू शुड टॉक, बट लिसनिंग टू दैम इट वुड हेल्प यू अलॉट. अगर आपके कोई ग्रचेज हैं सबसे पहले तो जो केस वाला मसला है ना उसको माफ़ कर दें, बहुत ठंड मिलेगी. सेकंड, मैं बजिया का स्टूडेंट हूँ, फातिमा सुरिया बजिया जो अनवर मकसूद की बड़ी बहन थी, आई थिंक आई एम हर स्टूडेंट. लास्ट 4 years ऑफ हर लाइफ आई वॉज गोइंग टू हर हाउस थ्राइस अ डे वीक, एक एक घंटा दो दो घंटा. आई डिड नॉट नो हाउ टू टॉक, आई डिड नॉट नो हाउ टू से सलाम. वो औरत रात के 12 बजे किसी का 82 साल की थी जब तक वो 84 में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी. बाद के 12 बजे फ़ोन आ जाए, बेटा वो पुलिस वाला मेरी गाड़ी गुम हो गई है, चलो बेटा मैं आ रही हूँ, अब्दुल वहाब ज़रा गाड़ी निकालो, बैठेंगी गाड़ी में जाएंगी एंड उस बेचारे के जैसे ही थाने पहुँचेंगी, कोई नहीं जानता उनको अगर तो, हाँ बेटा कैसे हो, ठीक हो, सब चल रहा है घर में, बच्चे ठीक हैं, बेटा ये बेचारा मजबूर है इसके थोड़ी सी हेल्प कर दो, वो कोई नहीं जानता वो कौन है क्या है और उसकी हेल्प कर दो. मेरे साथ इतनी दफ़ा उन्होंने देखा, मैं कहता था ये कैसे हो सकता है कि हम प्यार से इतना काम करा सकते हैं, बट आई लिटरली सॉ विद माई आईज एंड सिंस देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट. बिलीव इट और नॉट, किसी कमिश्नर ने किसी गवर्नमेंट के दफ्तर ने आज तक मेरा कोई काम नहीं रोका. अवल तो मैं ज़्यादा काम ही नहीं करता जैसे आप पाकिस्तान में, लेकिन मैं रहता तो पाकिस्तान में ही हूँ, दूसरों के काम कराने होते, कभी किसी ने नहीं रोका, ना किसी ने बदतमीज़ी करी, कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, दूसरे लोग परेशान रहते हैं. एक आप गूगल कीजिएगा, देयर इज ओनली आई फाउंड 1 Jewish गाय इन पाकिस्तान. मैं आपको एक किस स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद 30 मिनट पूरे हो जाएंगे. अच्छा, दिस बॉय हिज नेम इज फैसल, ही बिकेम फिशल, हिज मदर वॉज Jewish, ईरानियन Jewish, शी केम टू पाकिस्तान एंड शी लिव्ड देयर. ये स्टोरी मैंने कभी भी कैमरे पे नहीं शेयर की है, तो चलो फिशल, उसने मुझे बहुत दफ़ा कहा मैं लिख दूँ उसके बारे में, बट उसने कहा, मैंने कहा नहीं. सो फिशल साहब बहुत
इसराइल टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी पूरी कहानियाँ भरी हैं। अगर आप उसको गूगल करेंगे तो ही विल फाइंड हिम एवरीवेयर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ हर चीज़ के ख़िलाफ़ वो। मैं तो प्रोटेस्ट करूँगा जाके, ठीक है। सो एनीवेज, फिशेल साहब को मैंने डरते डरते के, यहूदी है, अल्लाह रहम करे मेरे ऊपर क्या होगा मेरे साथ, मैंने उसको कहा यार बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मैं मिल लो। कहने लगा कि एक आपको कराची से कितने लोग हैं, आधे लोग तो हैं शायद। सो कराची में एक जूश सेमेट्री है जो कब्ज़ा माफिया उसके ऊपर बहुत साल से चक्कर में है कि वो किसी तरह कब्ज़ा कर ले उसको। सो उस जूश सेमेट्री, मुझे भी सुना था मैंने कि है, फिशेल को था कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ मुझसे पैसे मांगते अंदर जाने के, मैं पैसे नहीं देना चाहता, 500 रुपये मांगते होंगे। एक आदमी चौकीदारी कर रहा है, वो कहता है भाजी बख्शी दे दो, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीका है। सो खैर, मुझे मैंने उनसे मिला, लंच पे गया डरते डरते, उसके बाद मैंने कहा चलें तुम्हारी सेमेट्री में, तुम्हें अंदर नहीं घुसने देते। कहते मुझे आप गवर्नर से मिलवा दें और कमिश्नर से मिलवा दें, किसी तरह मैं अंदर चला जाऊँ, कोई अंदर नहीं जाने देता मुझे। मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो हम चलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है आपको, मैं देखूँ तो सही। गए वहाँ, एक आदमी था उससे प्यार से बात करी, उसने अंदर छोड़ दिया, मुझे घूर के देखने लगा। फिर बैठे रहे हम, गए अंदर घूमे फिरे आए, फिर कहने लगा साहब चाय वाय पियोगे, मैं यार चाय लेके आना यार, तुम इतनी दूर से आए हम, चाय वाय तो पिलाओ। वो चाय वाय आई हमारे लिए, चारपाइयाँ बिछाई गईं। अब वो मुझे घूरा जा रहा है इतनी देर से कि ये क्या हो रहा है। आई डिड नथिंग लिटरली, आई जस्ट यू नो जस्ट सेड हेलो, कैसे भाई कैसे हो। फिर वो उसकी अम्मा आती है, जो वहाँ का माफिया, जो वहाँ का इंचार्ज चौकीदार की अम्मा आती है। जैसे ही वो आती मैंने देखा उसके हाथ पे कुछ स्किन डिजीज़ है। जैसे ही वो आई मैं से बात कर रहा, मैंने उसको ये अम्मा क्या है ये बताओ। शी केम टू इंक्वायरी कौन लोग आ गए हैं, ये क्यों अंदर घुसे हुए हैं, ये किस तरह से ये हो रहा है। तो मैंने कहा ये क्या, वो बेचारी अपनी कहानी सुनानी शुरू हो गई कि मेरा ये डिजीज़ है ये है। मैंने फ़ौरन अपने उसको बेटे को बुलाया, मैंने कहा ये नंबर लिखो डॉक्टर साहब का, तो मेरा कार्ड लो, उनके पास जाना, वो आपसे कोई इलाज के पैसे नहीं लेगा, आप प्लीज़ इसको इलाज कराएं। अब वो फिर वो भी मेरी शक्ल देख रही है कौन है, क्यों नंबर दे रहा है, कार्ड दे रहा है, मेरी तो जान पहचान भी नहीं है। वी गॉट द चाय, वी गॉट कोक, वी गॉट वाटर, वी गॉट एवरीथिंग। फिशर स्टार्टेड टू क्राई लिटरली कि यार ये, कहने लगा मैं यहाँ आके सफाई कराना चाहता हूँ, ये हमारे यहूदियों की खबरें हैं, अगर करा लो उनसे इजाज़त मांगी। कहते हैं हाँ आ जाओ। वी लेफ्ट, हमने जाते हुए उनको बख्शिश देने लगे कि भाई जाहिर सी बात है अब गरीब आदमी बेचारा हमें चाय वाय पिला रहा है, उसको थोड़े बस 500 रुपये 1000 रुपये हमने दिए। वो फिशेल लड़ने ही लगा, मैंने कहा क्या क्यों क्यों पैसे दे रहे हैं, मैंने कहा वो बेचारा गरीब आदमी है, ईदी दे रहा हूँ समझ लो, कि नहीं ये ना दें आप, ये गवर्नमेंट का हक है। मैंने कहा गवर्नमेंट नज़र आ रही है आपको यहाँ कहीं, जब गवर्नमेंट नहीं है तो आप दे दें, आप गरीब हो, $10 देने से मैं गरीब नहीं होगा, मैं समझ लूँगा मैंने किसी को खाना खिला दिया। उसने इतनी खातरी करी, बहरहाल ही गॉट मूव्ड। वहाँ से हम बजिया के घर चले गए, उस वक्त तक वो अपना हाफजा भूल चुकी थी एंड शी वाज़ रियली सिक। मैंने उनसे पूछा कि आप चलना चाहेंगे, मैं शाम को जाता हूँ उनके पास, चलें। तो वे गए वहाँ जाके, वो बजिया के पास जाके रोना शुरू हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे सारे विशेज़ जो थे कि भाई अंदर जाना, सफाई कराना, मीन दीज आर सो सिंपल विशेज, देयर आर नॉट इवन विशेज राइट, टू मी इट वाज़न्ट। बट वहाँ जाके वो रोना शुरू हो गया, तो कहता है, मैंने कहा और कोई काम है, कहते मैं चाहता हूँ शिनाख्ती कार्ड पे जूश लिखा हो, मुसलमान ना लिखा हो। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मुफ्ती साहब हैं, उनको बुला लिया, मैंने कहा ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, तो उन्होंने कहा नहीं आप फीस यहूदी हम लिखवा सकते हैं। मैंने कहा आप प्लीज़ इनको नादरा के दफ्तर ले जाएंगे, वो लिखवा देंगे इनका। हाँ वो फिर मेरी शक्ल देख रहा है कि ये मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ, क्योंकि वो जाके बदतमीज़ी करता था, वो जाता था एरेगेंसी शो करता था, हक मांगता था। देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि हम सब अपना हक मांगने के चक्कर में लगे हैं। वट इज़ हक, आई डोंट नो वट दैट इज़। तो एंड वी गॉट नाउ ही जस्ट पोस्टेड हिज फोटो, फाइनली ही गॉट जूश ऑन हिज शनाख्ती कार्ड, टुक हिम टाइम बिकॉज इज़ द फर्स्ट वन, एंड ऑन हिज पासपोर्ट, और बट इट गॉट डन। सो What I learned from Bhajia, and it's in one of my books, अगर आप देखिए, I dedicate it के अगर आप सिर्फ प्यार से पाकिस्तान में कहीं भी काम कर लें, I found के काम हो जाता है। और अगर हम अकड़ जाएँ कि हमारा हक दे दो तो बड़ा मसला हो जाता है। तो वो एक पुरानी है ना कि भाई जब रस्सी को एक खींच खींच के भी आप कर सकते हैं और छोड़ दें तो भी वो सारे गिर जाते हैं।
it's your choice which can do a lot. So Pakistan is, it doesn't have the system, right? हमारे पास law नहीं है, हमारे पास order नहीं है, challenges हैं. कचरा तक तो उठा नहीं सकते हम. China से बुलाने पड़ते हैं लोग, तुर्की से बुलाने पड़ते हो, right? So, but there's one thing called, you know, blockchain is coming, smart contracts will come, currency changes will come, a lot of things will come and happen. और ये हम leapfrog कर जाएंगे. इस तरह आज telecom में हम leapfrog कर गए. हम लोग, आपको याद होगा अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो टेलीफोन लगाना प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ता है. नाउ यू नो एवरी बंगी हैज लाइक 4. सो थिंग्स विल चेंज. टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन, बट टिल दैट हैपेंस, अगर टेक्नोलॉजी भी हो, अवेयरनेस ना हो, तो क्या करेंगे? सो लास्ट मंथ हम लोग आने से एक हफ्ता पहले मैं एक गांव में गया, हमारे जो बास काम करते थे उनके पास गया, तो मैंने देखा रास्ते में बनाना के बहुत बागात थे और वो जल रहे थे. कुछ ये क्या है, कहते ट्रंक्स हैं, इसको जला रहे, पत्ते जला रहे. क्यों जला रहे? कहते इसका कोई काम नहीं होता. मैंने कहा पत्तों का काम नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है पत्तों का काम? खैर बैठे रात को कचहरी लगी तो देखा, ऐसे गूगल किया तो पजला पत्तों से प्लेटें बनती हैं, चमचे बनते हैं, मग्गे बनते हैं, $1,000 की मशीन आती है, रॉ मटेरियल फ्री मिल रहा है. मैंने तो 4 ऑर्डर कर दिए यार, ये ज़रा मंगाओ यार, देखें किस तरह से क्या कर सकते हैं इसके साथ, लेट्स एक्सपेरिमेंट. सो दैट्स द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन आई एम आस्किंग टू डू. फिर वहाँ पे काउ डंग भरी हुई, मक्खियाँ भरी हुई, सारे मेंढक वो मार चुके, तो मक्खियाँ खाने की कोई मशीन ख़त्म हो गई. तो मैंने उनको कहा यार इसकी बायोगैस बना लो, बिजली भी नहीं है तुम्हारे पास सारी 20 घंटे. कहते वो कैसे होगा? मैंने कहा यार, फिर हमने गूगल करके दिखाया. अच्छा पढ़े लिखे मास्टर्स डिग्री वाले भी वहाँ बैठे हैं हमारे साथ, यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, गूगल नहीं कर रहे. आई डोंट नो व्हाई यूज़ नहीं है टेक्नोलॉजी. दे हैव द इंटरनेट इज एवरीवेयर, फोन्स आर एवरीवेयर, डेटा इज एवरीवेयर, नॉलेज इज एवरीवेयर, बट देर नॉट गूगलिंग. आई डोंट नो व्हाई. अगेन वो जो मसीहा है वो किसी के इंतजार में बैठे हैं. सो वी डिड दैट. फिर मैंने कहा तुम इससे बायोगैस बनाओ, बायोगैस भी, गैस भी आ जाएगी और बिजली भी आ जाएगी, तुम लोग का मसला हो जाएगा. इतना गाँव डंग के तुम परेशान रहते हो किसका करें क्या, तीनों मसले हल हो जाएंगे. सो मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, 2 बेटे मेरे साथ थे. खैर हम लोग, उनके तो पता नहीं समझ में आए नहीं, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं. हम लोग आए, मैं बच्चों को लाया MIT के कैंप में 2 हफ्ते के एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो छोटा बेटा था उसने प्रोजेक्ट ये दे दिया कि मैं एक कंपनी बनाऊँगा, वो काउ डंक्स लेगी, सारे फार्म्स गाँव में जाया करेगी, वहाँ पे उनसे चार्ज करेगी, उनका काउ डंक लेगी, उससे गैस बनाएगी, गैस बिजली बनाएगी, उनको बेच देगी, उन्हीं को बेच देगी, उन्हीं का माल लेके उन्हीं को बेच देगी. तो उसके ऊपर उनको अवार्ड भी मिल गया MIT में. तो दिस इज व्हाट वी जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट्स रियली. बट दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स टू डू, नॉट सो यस वी मस्ट इन्वेस्ट इन .coms एंड टैक्स एंड मेक योर $1 billion, बट वी नीड मोर. हमारे पास 7-Eleven ही नहीं आप टैक्स की बना, मतलब लिटरली वी हैव नॉट अ सिंगल चेन ऑफ एनीथिंग लाइक 7-Eleven. मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई इन्वेस्ट सीरियस पैसे लगा दे, अच्छे पैसे बनाएगा, अच्छा हाई मार्जिन प्रोडक्ट हर एक को चाहिए. किस कौन नहीं चाहता कि उसके पास एक स्टैंडर्डाइजेशन वाली चीज़ हो. ग्रोथ कैसे होगी जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी? क्योंकि दैट्स व्हाट आई सी एज एन अपॉर्चुनिटी. और चाहे जो चर्चेस हो, चाहे वो KFC तो आ गया, वी नीड टू स्केल अप दीज थिंग्स एवरीवेयर, वी नीड दीज थिंग्स. सो सॉरी नहीं, अगर ऐसे ही आप खाना तैयार है और जो है वो एक बाय एक अप्रोच इज अ लिटिल डिफरेंट. आखिरी आइटम है, माशाल्लाह रियान भाई 5 बुक लिख चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट बुक थी एड मी, जो है एड ADD मी, एड मी सोशल मीडिया. सो माय पॉइंट इज दैट के इनकी जो 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 विजन है ना, इट्स जस्ट नॉट ओनली के इंस्पायर अदर, बट ही कॉन्स्टेंटली डूइंग इट. I mean, he non-stop doing it. So he is an example. Also, at the same time, you know, if you need a hard copy, there is a hard copy for that too. If you need just a verbal gymnastic, you can have that too. You know, so it's all, everything is available. What I wanted to do to get this opportunity and use it, so that you can stay connected with him. And I guarantee it. You know, I mean, one way or another, you will get benefit. And in the process, there will be hundreds of other people who get benefit out of it. I mean, just having a one dose of, you know, his once in a week dose of social media inspiration will get you connected to one kid in a small town
in Bahawalpur, who knows it, you know, and that kid is just waiting somebody give him a little hint of hope, and that might get him going. No money involved, no investment involved, it's just helping somebody get inspired. That's the way. I know it's getting late, we're gonna do... I want to thank you first of all for inviting, but it's not about me. First of all, thank you all of you for taking out your Sundays and coming, but it's about the place we're coming from and the planet. Again, it's not me, it's not about me. Aap log jo karna chahte hain, jo aapke wishes hain. Again, mere saab se to thoda time allah kare, 20 saal na ho, I'm wrong about it. But honestly, jo bhi aap log chahein, it can be done. Chahe usme khabahatein hongi, mushkilat aayengi, but do it for the sake of fun. Do it for the sake that you really wanted to do it, and there is an opportunity. Aksar log apni khwahishat ko nahi bahar nikalte. Aksar log nahi nikalte. और अक्सर लोग करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको डर है कि उनका जो वो ख्वाहिश थी वही असली में होने लगेगी तो भी वो लोग नहीं कर पाते. आई होप यू हैव ऑल रेड द बुक अल्केमिस्ट. यू नो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल स्टोरी इन देयर कि वो जो एक आदमी होता है वो अपनी ड्रीम नहीं कराना चाहता, वो बोलता ही रहता है बस. तो हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बोलना चाहते हैं, लेकिन आई होप दैट अमंग यू देर आर पीपल हू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग एंड यू कैन नाउ एंड इट्स एज फार एज दिस. और एक वन लास्ट थिंग, अगर आपको CNN फ़ोन करके बोले कि 3 मिनट में हफ्ते के तुम्हें मैं दूंगा टॉक ऑन समथिंग, आपका शो है, तो आप जो भी 3 मिनट के लिए CNN पे बोलेंगे वो आप इधर बोलना शुरू कर दें. आप यकीन करें फिर एक दिन CNN शायद बुला भी लें आप, बट CNN जब बुलाएगा, लेकिन आप बोलने को तैयार ही नहीं है. हाउ विल थिंग्स हैपन? सो वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, वट एवर योर पेन इज और यू वॉन्ट टू अचीव, यू कैन if you take an action to it. But thank you again. Well taken, yeah. You make a difference in somebody's life. Just find one person. Yeah. Yeah, absolutely. And look, sometimes it's only verbal. Sometimes, because he hooked me on this things, you know, he connected me with some of those people. I cannot believe this thing. That these people are looking for just one confirmation of their own idea. Yeah, yeah. You didn't even give them an idea. It's their idea, they want to run by you. And all I said to this kid, you know, 23 years old kid, I said, I know what, so how are you going to get your funding? This is the only thing I asked him. I thought maybe he's going to open up now. He said, no, I already have it. So I said, what is this? He said that what I wanted to know is that is there a future in it? And I said, I really believe on it, that if you live in this country and this is your idea and you can copyright it, and even if you go a little further and move on it, you know, I mean, there is a possibility. And he's staying in touch with me now, and he's getting his next step now. What did I do? I just reaffirmed his own thing, you know, I mean, and help him just to sort out the thing. I didn't even do anything, but that's what kind of inspired me. And I said, look, maybe he can explain all of us a little better, you know, and then we can do, because we can, tomorrow is going to be Monday, we're going to go on and same grinding schedule, and in the process we're going to live our life. And what about anybody else that can probably deserve 5% of our time and maybe once in a while 5% of our money? And choose your own schedule, choose your own timing, and see what you can get out of it, you know. I think this was the best thing can happen. In my life, I'll be honest with you, I was looking for this kind of inspiration that can get me on this schedule. And I think, and I wanted to share with you people, you know, and food is ready now. And Hello, if you wanna, so much, yeah. If you wanna come back and, you know, kind of put our huddle again, then I love to do that. If you feel too tired, then you can then go home. Then go home.